हरे कृष्णा हरे राम जय श्री बागेश्वर धाम। अगर आपके परिवार में किसी न किसी कारण से बहुत नुकसान हो रहा है और व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा हो या फिर दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा हो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में अगर रह रहे हो, तो हम आपको बस एक रुपए के सिक्के के कुछ अचूक टोटके बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आपके जीवन में आ रही सारी आर्थिक शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी किस्मत सोने की तरह चमकने लगेगी। और जानेंगे धीरेंद्र शास्त्री का वह अचूक उपाय जिसकी मदद से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में व्यापार सही से न चल रहा हो और बहुत सारी आर्थिक समस्याएं अगर आ रही हो, तो आपको एक मुट्ठी चावल और एक रुपए के सिक्के को किसी भी मंदिर में ले जाकर भगवान के समक्ष अपनी परेशानी बताकर रख देना है। उसके बाद उस सिक्के को किसी भी गरीब को दान कर देना है। ऐसा करने से माना जाता है कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर घर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो और उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार न आ रहा हो, तो आपको रोगी के सिरहाने पर एक कटोरी में सेंधा नमक और एक रुपए का सिक्का रख देना है। इससे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। आपकी जेब हमेशा खाली रहती हो। अगर आपको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता हो, तो आपको जेब में एक रुपए का सिक्का और मोर पंख रखना चाहिए। इससे मान्यता है कि आपकी जेब कभी भी खाली नहीं रहेगी। यदि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा हो या फिर आपके ऊपर किसी भी दुश्मन ने काला जादू या फिर टोना टोटका किया हो या फिर आपको वशीकरण करने की कोशिश की हो, तो ऐसे में आपको पूजा समाप्त होने के बाद घर के द्वार पर घी का चौमुखी दिया जलाकर उसमें एक रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि पैसों की कमी भी घर में कभी नहीं होती है। अगर आपको पैसों की बहुत तंगी रहती है या फिर घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। इसके बाद एक मिट्टी या फिर पीतल का कलश लेकर उसमें केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। इसके बाद उसके अंदर जल और एक रुपए का सिक्का डाल देना है। इसके बाद इसे एक चौकी में स्थापित कर देना है और रोजाना इसकी पूजा करनी है। ऐसा करने से आपके ऊपर गणपति जी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा हो और आप जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको धीरेन्द्र शास्त्री का हम अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रवचन में यह बताया कि अगर आपका शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा हो और आप उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको 108 अकौवा पत्तों पर सीताराम सीताराम लिख देना है और अपने शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी के चरणों में रख देना है। ऐसा करने से आपका शत्रु आपको दोबारा लौटकर कभी भी नहीं परेशान करेगा और वह आपसे दूरी बना लेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।